उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए जनहत्य अपराध के बाद आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस में पीड़ित परिवार से मिलने के लिए उत्तर प्रदेश रवाना हुए, जहां उत्तर प्रदेश प्रशासन ने उन्हें पीड़िता के घर जाने से रोका और राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की की और लाठीचार्ज भी किया। गौरतलब है कि यूपी के हाथरस में हुए जनहत्य अपराध पर पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आज राहुल गांधी प्रियंका गांधी हाथरस के लिए रवाना हुए, लेकिन दोनों को ही पुलिस द्वारा रास्ते में रोक लिया गया। राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की की गई, जिसके विरोध में आज भोपाल में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने भोपाल में लीली टाकी चौराहे पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन किया है। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। सर, आज जो राहुल गांधी को धक्का मुक्की दिया उसको लेकर आपने, देखिए ये एक बहुत, पहले तो मध्य प्रदेश के अंदर लोकतंत्र की हत्या करी, उसके बाद एक दलित बेटी के साथ रेप होता है, रेप होने के बाद अगर आज राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी उसके घर मिलने जाना चाहते हैं तो उनको रास्ते में रोका जाता है, और रोकने के बाद आज हद पार कर दी कि राहुल गांधी जी को साथ धक्का मुक्की करी, जिसकी हम सब लोगों ने आज योगी सरकार का यहाँ पे पुतला जलाया। और मैं पूरे देश के लोगों से आह्वान करूँगा कि ये वक्त है देश को उठ के खड़े होना चाहिए, एक दलित की आवाज़ को दबाने का जो प्रयास किया जा रहा है, जिस ताकत से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी ने और कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने जाबाजी के साथ अपने आप को वहाँ लड़ाई लड़ने के लिए आगे पेश आए, पूरे देश को आगे आना चाहिए और इंसाफ दिलाना चाहिए। देखिए जब तक इन चीज़ों को रोकने के लिए सरकार अगर उनको बचाने का प्रयास करेगी तो ये घटनाएं कभी नहीं रुकेंगी। होना ये चाहिए था, योगी सरकार हो चाहे पांचों जगह की सरकार हो, तत्काल उस पर कार्रवाई करके फास्ट ट्रैक में ये मामले लाना चाहिए, और जब इन पर सजाएं तय हो जाएंगी तब जाके ये काम रुकेगा, वरना ये नहीं रुकेगा। निर्भया से लेके आज तक हम कितनी बहनों को गवा चुके और आज भी हम जाग नहीं रहे और आज भी हम अपने आप को बचाने में लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश को बर्बाद करने में लगी है, बेटी के नाम पे धोखा करने में लगी है, जिसकी जितनी निंदा हो उसकी देश के लोगों को करना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।